दोस्तों आपका स्वागत है आर्यन कुश भाई यूट्यूब चैनल में। आज मैं अब बात करूंगा बीज को कैसे उपचार करते हैं। बीज की हर तरह की विधियां मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों अगर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करते हैं और पुराने हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीड्स को उपचार करने के लिए, तो मैं बता दूँ आपको कि सीड्स उपचार करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप किसान हैं और खेती करते होंगे तो जानते होंगे कि सीड्स को उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो उसमें रोग लगते हैं वाय और आंतरिक दोनों रोग से हम उसे बचा के रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी अंकुरण की जो परसेंटेज की मात्रा और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। जैसे कभी कभी कोई सीड्स मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं तो उस सीड्स पे लिखा रहता है कि 70 या 65-60% केवल जर्मिनेट रहता है, लेकिन अब उस सीड्स को अगर आप ट्रीटमेंट कर देते हैं, उपचार कर देते हैं, तो वही सीड्स का जर्मिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाता है। दोस्तों सीड्स को उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है और उपचार करने का मैं कई विधियाँ आपको बताऊँगा और ध्यान से आप देखिएगा। जैसे एक सरल जो विधि है जो कल्चर से लोग शोध करते हैं, तो कल्चर से शोध करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 1 लीटर पानी ले लीजिएगा और 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम गुड़ डाल लीजिएगा। गुड़ डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से खौला लीजिएगा। जब वो पूरा एकदम लासनुमा बन जाएगा तो उसमें आपको करना क्या है कि 500 ग्राम आप कल्चर ले लीजिए, 500 ग्राम कल्चर उसमें मिला लीजिए और उस कल्चर को आप किसी भी सीड्स पे गिरा के उसको हाथों से मिक्स करके, जब ठंडा हो जाएगा तो हाथों से मिक्स करके और उसकी बुआई आप कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया अब इसका जर्मिनेट होगा। मार्केट से आप कल्चर परचेज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रहे। कल्चर परचेज करते समय एक्सपायरी आप न लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा तरीका है, बीज को कैसे आप उपचार करेंगे। जैसे बीज को उपचार करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक आता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो बीज को इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया ट्राइकोडर्मा है। 5 से 10 ग्राम आप ले लीजिए। 10 ग्राम लेने के बाद 1 kg बीज है, 1 kg बीज को उसको पाउडर नुमा रहता है ट्राइकोडर्मा, उसको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप उसकी बुआई कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी इसमें सावधानियाँ रखनी है। सावधानियाँ ये रखनी है कि जब भी आप किसी भी सीड्स को आप उपचार करें तो उसको जब आप सुखाने के लिए रखिए तो उसको छांव में ही रखिए। धूप में उसको रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। धूप में रखेंगे तो सारा आपका उपचार खराब हो जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि जब कंद की जो उपचार हम करते हैं तो कंद की उपचार करने के लिए, जैसे कंद मतलब जैसे जो जड़ वाली फसलें, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, गोभी हो गया, मिर्च हो गया, इन सब फसलों को कैसे आप उपचार कर सकते हैं, तो इनको उपचार करने के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 1 लीटर पानी में, उसको घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद जड़ को उसमें डिप कर दीजिए। अब आपके अनुसार जितना बड़ा, जितना ज़्यादा कंद है उसी हिसाब से आप पानी बढ़ा लीजिए और ट्राइकोडर्मा को अब ऐड कर लीजिए। तो मैं 1 लीटर बता रहा हूँ, 10 ग्राम को डाल के घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद कंद को उसमें डिप कर दीजिए और कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसमें डिप रहने दीजिए। उसके बाद निकाल के आप उसको छांव में रख दीजिए। छांव में रखने के बाद, छाँव में आप रख सकते हैं 20 से 25 मिनट या आधे घंटे। उसके बाद आपको रुपाई जहाँ करनी है, बुआई करनी है, आप जाके वहाँ कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ कि एक होता है सीड प्राइमिंग। सीड प्राइमिंग भी बहुत बढ़िया है उपचार करने का तरीका। कैसे उपचार होता है इसको, ये उपचार होता है जैसे दलहनी फसलें, जैसे अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, या मतलब दाल हो गया, इन सब फसलों को आप उपचार कर सकते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में उपचार होता है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में सीड्स भी रहता है, और जब सीड्स रहता है तो इसके लिए आपको उपचार करने का जो प्रोडक्ट है ये अधिक मात्रा में आपको चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को घोल लीजिए। ट्राइकोडर्मा को घोलने के बाद अगर 5 लीटर पानी आप ले रहे हैं तो 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा उसमें घोल लीजिए, और घोल के उसमें आप उसमें गेहूँ हो या दाल हो, कोई भी फसलें जो ज़्यादा मात्रा में आपको लगानी है उसको उसमें डुबा दीजिए। डुबाने के बाद उसको निकाल दीजिए। निकाल के उसको आप किसी छांव जगह में उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप उसको जहाँ पे बुआई करना आप जाके बुआई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि ट्राइकोडर्मा से मृदा को भी शोधन कर सकते हैं। मृदा शोधन करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मृदा को शोध आप नहीं करेंगे तो फंगस, वायरस बहुत वहीं से आते हैं। और इसको शोध करने के लिए मैं आपको बताऊं कि 1 एकड़ अगर आपके पास ज़मीन है तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए आपको 25 केजी गोबर उपलब्ध करवाना है, और 25 केजी गोबर में 1 केजी ट्राइकोडर्मा आपको लेना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद उसको आप रख देना है। उसको आपको रखना है ऐसी जगह पर, छांव जगह पर रखना है, और ऊपर से किसी बोरी से या टॉर्च से उसको ढक देना है। ढक दे के और ऊपर से हल्का हल्का पानी आप उस पर डाल देना है। उसके बाद आपको बताएँ कि 3 दिन बाद उसको फिर बोरी को हटा के
और जो गोबर होता है गोबर को उसको आप फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फिर उसके तरीके से आप ढक देंगे। ढकने के बाद 3 दिन बाद 6 दिन बाद वो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा तैयार। और उसको आप गोबर को 25 kg गोबर को 1 एकड़ खेत में आप डलवा दीजिए। जब ध्यान दीजिएगा कि जब डलवाएंगे तो उस खेत में नमी होनी चाहिए, नमी रहेगा तब डलवाइएगा और उसके बाद खेत की जुताई करवा दीजिए। जैसे आपको बताऊँ कि नर्सरी भी आप इस उपचार कर सकते हैं। नर्सरी को आप कैसे उपचार कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको कि अगर आप कोई बेड आपने बना लिया है तो बेड बना लिया है तो आप 5 ग्राम आप ले लीजिए ट्राइकोडर्मा, और 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोलने के बाद या पंप से या किसी तरीके से बेड के ऊपर आप छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद उस बेड पे आप जो सीड्स को जर्मिनेट करना है आप जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊँ कि कलम वाली जो होती है, जैसे कलम जो करते हैं आप, कलम करके जो लगाते हैं गमलों में आप लगाते हैं उसको ग्रो करने के लिए, और जो अंकुरण पौधा होता है उसको भी आप ग्रो करने के लिए लगाते हैं, पॉट में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं या ग्रो बैग में लगाते हैं, तो उसको भी आप शोध कर सकते हैं। उसको भी शोध करने का सेम वही तरीका है, 10 ग्राम प्रति लीटर पानी ले लीजिए और पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद उसको कलम को डिप कर दीजिए, और डिप करने के बाद उसको थोड़ी सी आपको छाव जगह पर उसको सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद उसको आप लगा दीजिए। बहुत ही बढ़िया ये तरीका आपका है। मैं दोस्तों बताऊँ कि सावधानियाँ, मैंने बताया था कि सावधानियाँ आपको रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानियाँ वही रखना है कि जो आप जब भी बीज को आप उपचार करें तो उपचार करने के बाद उसको छांव में ही सुखाएं, ये आपको ध्यान रहे। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि जब भी किसी सीड्स को आप उपचार कर दिए तो उपचार करने के 3 से 4 दिन बाद, ये नहीं कि आप उसको रख देंगे, 3 से 4 दिन बाद आप उसको बुआई कर दीजिए। 3 से 4 दिन पहले ही, अधिक दिन ना जाने, अधिक दिन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये आपको सीड्स उपचार करने की जानकारी दी, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर करिए, वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और आर्यन कुशवाहा यूट्यूब सब्सक्राइब करते रहिए, आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहा। दोस्तों आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।